हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हम करेंगे आज टॉपिक। तो देखो भाई, क्लास 10th में तुमने टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा था कि टेंजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। क्लास 10th में तुमने बेसिक ऑफ टेंजेंट पढ़ा था। सर्कल के बारे में तुम्हें पता ही है, सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, फोकस हो जाओ, पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ स्क्रीन के सामने और लग जाओ मेरे साथ, ठीक है। तो चलो भाई, टेंजेंट से नॉर्मल और अपना बेसिक वही सवाल जो हर बार पूछते हैं, W W और H, यानी कि व्हाट, वाई एंड हाउ, ठीक है। कुछ नोट नहीं करना है, जहाँ पे मैं बोलूँगा वही नोट करना है केवल, ठीक है। फालतू की चीज़ें नोट नहीं करनी है, फालतू की चीज़ें पढ़नी भी नहीं है, ठीक है। केवल जो मैं बोल रहा हूँ नोट करने के लिए, केवल वही नोट करेंगे और कुछ भी नोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तीन सवाल, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तीन सवाल खुद से पूछोगे, ठीक है। पूरे वीडियो भर पूछते रहोगे कि व्हाट, क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे, मतलब जो भी आया, जो भी डेरिवेशन हुआ, जो भी क्वेश्चंस आया, सॉल्यूशंस आया, उसका कैसे हुआ, ठीक है। तो व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ठीक है, ये अपने आप से पूछते रहो। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट, ठीक है। अब ये टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। तो भाई देखो, किसी भी सर्कल को टच करके जाता हुआ, कोई लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। किसी भी सर्कल को देखो, यहाँ पे इस लड़के ने एक पत्थर बांधा रोप में और उसे गोल गोल घुमाया, तो ये क्या हो गया, ये सर्कल बन गया। ये जो गिवन है, दिस इज सर्कल, ये जो पत्थर का पात है, ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। ये पत्थर, इस पत्थर का पात क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो दिस इज सर्कल, और सर्कल इस पत्थर का जो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज इट्स टेंजेंट, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। खैर, इन सब बातों को छोड़ देते हैं, तुम एक बात ध्यान से सुनो कि बस बस इतना ध्यान में रखना कि सर्कल को टच करते हुए जो लाइन बाहर से जाती है, बाहर से टच करते हुए जो भी लाइन जाती है, दैट इज कॉल्ड इट्स टेंजेंट, ठीक है। और इसी टेंजेंट से परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करो जो कि सेंटर तक जाए, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। देखो ना, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन जो लड़के के इस हाथ तक जा रहा है, जहाँ इस सेंटर हो गया सर्कल का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ हमें पता चला, पहली बात क्या, कि टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इतना ध्यान में रखना कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर, मतलब कि अगर अपने टेंजेंट का स्लोप क्या है, m1, ठीक है, तो और नॉर्मल का स्लोप क्या है, m2, ठीक है। स्लोप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, टेंजेंट का स्लोप क्या है m1 और नॉर्मल का स्लोप क्या है m2, इसका मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब यही हो गया कि m1 into m2 is equal to -1, ठीक है। जिनको समझ में आया उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ आता होगा कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया, बस इतना नोट कर लो कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर, और टेंजेंट का स्लोप हमने m1 लिया है, नॉर्मल का स्लोप हमने m2 लिया है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा, ठीक है। अगर तुम लोग लिखना चाहो तो एक चीज़ और लिख सकते हो कि टू परपेंडिकुलर लाइन्स हैविंग स्लोप m1 एंड m2, सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइन होती है जिनका स्लोप m1 m2 होता है, तो उनके प्रोडक्ट कितना होता है, m1 और m2 का प्रोडक्ट कितना होता है, -1, हमेशा -1 ही होगा, इस बात को गार्ड बनकर लिख लो, ठीक है। पहला पॉइंट हमने लिख लिया। अच्छा, अभी देखो, नॉर्मल के कहीं से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई सर ने बताया है कि नॉर्मल क्या होता है, कि सेंटर से होते हुए लाइन जाए, ठीक है। तो
तो कोई भी लाइन होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, नहीं जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो सेंटर से तो जाए लेकिन टेंजेंट तक पहुँचे। देखो ना, ये लाइन जो जा रही है, ये जो लाइन जो जा रही है ये सेंटर से जा रही है और टेंजेंट जहाँ से टच कर रहा है वहाँ तक टच कर रही है, तो इसी को नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, इस टेंजेंट का नॉर्मल ये है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा टेंजेंट रहता है ये, ठीक है, तो इसका नॉर्मल ये रहता, ठीक है, इसका नॉर्मल ये रहता। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये टेंजेंट और नॉर्मल का जो किस्सा है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से तुम लोग ध्यान से समझ लो कि टेंजेंट क्या होता है, कि सर्कल को टच करती हुई, टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को टच करती हुई, टच करती हुई लाइन। ठीक है, और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, सर्कल को टच करती हुई लाइन, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग थ्रू सर्कल। ठीक है, हाउस पोस्ट ना हो इसलिए इसको रब कर देता हूँ मैं। चलो भाई इतना हो गया, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सर ने बता दिया कि भाई टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एक रिलेशन, वो रिलेशन हमने लिख लिया। ठीक है, अभी देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है टू पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें किसी भी कर्व का इक्वेशन देगा तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट्स और नॉर्मल पता करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज़ करो कोई कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। अब देखो यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो इस कन्फ्यूज़न में बिल्कुल मत रहना कि केवल सर्कल के केस में ही पॉसिबल होगा, नहीं, कोई भी कर्व। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे सर्कल दिया हो तो हम हमेशा केवल सर्कल की बात करेंगे, नहीं। ठीक है, तो अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवेन है, ठीक है, गिवन है, ठीक है, अब हमें क्या करना है कि टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो देखो सिंपल सी बात, एक ध्यान में रखना कि अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड सो ऑन। ठीक है, एग्जाम्पल, केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा, ठीक है, पहले तो इक्वेशन लिख लेंगे हम, इक्वेशन लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट, जो कर्व, जो अपना कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, ये गिवन इक्वेशन है ना, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि हम फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया, टू ए एक्स प्लस बी, ये आ गया, ठीक है, टू ए एक्स प्लस बी, ये क्या हो गया, ये दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे ये आ गया, ये जो दिस इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे जो एम वन की बात कर रहा था ना, यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन लिखा ना, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पे जो टेंजेंट का एम वन की बात कर रहा था, दैट इज आर दिस डी वाई बाई डी एक्स, ये जो डी वाई बाई डी एक्स हम हमारी निकल के आई है, दैट इज आर एम वन। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए एक्स प्लस बी, तो हमें निकल के आ गया एम वन इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हारे क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड फाइंड स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप आराम से निकालोगे, एम टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन, सो दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू ए एक्स प्लस बी, आ गया। तो दिस इज आर एम टू, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो स्लोप भी है, ठीक है। अब कहता है कि तुम्हें क्वेश्चन दिया रहेगा, गिवन रहेगा कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, किस पे, एक्स वन कॉमा वाई वन पे, ठीक है। तो एक्स वन कॉमा वाई वन पे टच करेगा अगर, तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन क्या होगा टेंजेंट का। सो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टी, एम टी यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टी एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। इसको ध्यान में रखो, बस केवल ध्यान में रखो। अभी मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे आया ये, ठीक है। चलो अब देखो एम टी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स बताया था ना अभी यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस बी, तो डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। स्लोप का डिफ्रेंशिएशन केवल कर दोगे तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू टेन टीटा, ठीक है। टेन टीटा ये देखो ना, सपोज करो दिस इज अ कर्व, ठीक है। ये कर्व है, ठीक है, और ये टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो टेन थीटा, इसी थीटा से टेन थीटा निकालेंगे तो ये इस टेंजेंट का स्लोप होगा, ठीक है। टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, अच्छा अच्छी बात है भाई। टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट मीन्स कि कर्व के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है भाई। फ्यूचर IITian हो तुम लोग, ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और नहीं आई तो वीडियो को वापस से बैक करो और वापस से देखना स्टार्ट करो, ठीक है। एक एक पॉइंट जो है ना, इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, ठीक है। एक एक पॉइंट इसका जो है, जो भी मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट, अभी क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो बेसिक का सारा पॉइंट अगर नोट करते चलोगे तो आगे केवल क्वेश्चन लगाना रहेगा तुम्हें, ठीक है। तो समझते चलो इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कर्व, अच्छी बात है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो कि अभी केवल स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, देखो भाई ध्यान से। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय एम वन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कर्व दिस एफ डैश एक्स, ठीक है ना, एफ डैश एक्स ही निकाला ना वो, एम वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट कैसे लिखेंगे, देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट कैसे निकला था, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम क्या था, स्लोप था एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ठीक है। लिख लेने से पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो हम ये स्ट्रेट लाइन में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म हम पढ़ेंगे, तब ब्रीफली पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि अगर एक स्लोप और एक पॉइंट से हम किसी इक्वेशन लिखते हैं, किसी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम ऐसे लिख देंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई वन एक्स वन और वाई वन जो है हमें गिवन है, ठीक है। दिस इज आर गिवन पॉइंट, ठीक है ना, और m m1 हमने अभी निकाला है, ठीक है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम वन, एम वन क्या है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है, x माइनस एक्स वन, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्लोप जो हमें अभी हमने अभी देखा यहाँ पे, देखो इक्वेशन ऑफ स्लोप हमने यहाँ पे देखा अभी, ठीक है। चलो तो ऐसा करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है अपना, फॉर द कर्व
एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन एंड वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन और वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, ठीक है। द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो टी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। केवल इस क्वेश्चन से तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने पढ़ाया है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। केवल ये क्वेश्चन लगा लोगे तो क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। केवल अगर ये निकल जाएगा तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। और तुम भी यही करोगे हर क्वेश्चन में टेंजेंट नॉर्मल के हर क्वेश्चन में तुम पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने की ही कोशिश करोगे, ठीक है। तो भाई यहाँ से क्या पॉसिबल है कि हम एक क्वेश्चन पकड़ के डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, नहीं। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को और क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम dy वाई बाई डी टी और dx एक्स बाई डी टी निकालेंगे, तो dy वाई बाई डी टी क्या निकल के आएगा, ठीक है। y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 2t माइनस वन, ठीक है, अच्छी बात है। और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, dx एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2t ओनली, ठीक है। तो हमें dy वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी लिखना है, तो ये क्या लिख जाएंगे, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t माइनस वन अपॉन 2t, ठीक है। ये आ गया हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू हमें आ गई है 2t माइनस वन अपॉन 2t, ठीक है। लेकिन यहाँ से t की वैल्यू तो आई नहीं, ठीक है। तो एक कंडीशन और दिया है कि द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। क्या मतलब है इसका, कि टेंजेंट जो है x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, नॉट डिफाइंड, दैट इज इक्वल टू 1/0, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2t माइनस 1/2t, ठीक है। दैट मीन्स 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो t की हमें वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। आई होप तुम्हें ये अब यहाँ से वो जो हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया हमें, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया है तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। चलो क्वेश्चन लिख लो। तो चलो भाई, क्वेश्चन है अपना द कर्व y is equal to e to power xy minus x has vertical tangent at point, ठीक है। अब वो पॉइंट बताना है जहाँ पे ये जो कर्व होगा y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स वाई माइनस एक्स का वर्टिकल टेंजेंट होगा, ठीक है। अब देखो भाई, कर्व कैसा भी कर्व हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यानी कि जो x एक्सिस के पैरलर हो उसे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। और वर्टिकल टेंजेंट किसे कहते हैं, अब इसके ठीक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, तो दैट इज कॉल्ड आवर वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। इसी कर्व पे ये वर्टिकल टेंजेंट हो गया, दिस इज कॉल्ड इट्स वर्टिकल टेंजेंट, और दिस इज कॉल्ड इट्स हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल टेंजेंट होने का मतलब है कि dx अपॉन dy क्या हो जाए, 0, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होने का मतलब है dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या कहने का मतलब है इसका मतलब देखो भाई, बिल्कुल साफ है कि अगर वर्टिकल टेंजेंट कहता है, वर्टिकल टेंजेंट यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू, वर्टिकल टेंजेंट में tan थीटा इज इक्वल टू
इन्फिनिटी, ठीक है भाई। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में टेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एक बार फिर से ध्यान से समझ लो, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट वो कहते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और वर्टिकल टेंजेंट उसको कहते हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, वर्टिकल टेंजेंट के केस में, वर्टिकल टेंजेंट के केस में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के केस में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थीटा जो होता है वो एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को ही कहते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा अगर टेंजेंट, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन 0 इज इक्वल टू 0, सो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी टेन थीटा इन्फिनिटी कब होता है, 90 डिग्री पे होता है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो वर्टिकल टेंजेंट कह रहा है, यानी कि एक बात ध्यान में रख के चलना कि तुम्हें तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि तुम आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ें तुम्हें तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए कि डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होना चाहिए, 0। तो अपना पहला टारगेट क्या हो जाएगा कि हम इस इक्वेशन से बस कुछ नहीं निकालेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। चलो भाई शुरू हो जाते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो हम क्या करते हैं, कर्व को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएट कर दो भाई, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा एक काम करते हैं, वाई माइनस ई टू पावर एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, हम सभी चीज़ों को एक साइड ले आए, ठीक है, एक साइड ही ले आए, ठीक है। तो dy by dx माइनस कर देंगे यहाँ पे, माइनस, अच्छा अब देखो e टू पावर एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एज इट इज e टू पावर एक्स वाई, ठीक है। अंदर बचेगा क्या, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। तो एक्स का डिफरेंशिएशन यू इंटू वी के फॉर्म में है, ठीक है, यू इंटू वी के फॉर्म में। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो भाई, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो ध्यान से देखेगा कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो एक्स को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, वाई को। तो डी वाई बाई डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन प्लस, अब वाई को एज इट इज रखेंगे और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा दो पार्ट डिफ्रेंशिएट होगा, ये पार्ट जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हमने क्या निकालना है, केवल डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को सबको एक साइड ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, तो देखो भाई ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई टू पावर एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस ऑफ ई टू पावर एक्स वाई, प्लस यहाँ नहीं रखते हैं, ठीक है, माइनस ही रखते हैं। तो देखो भाई, माइनस ऑफ वाई इंटू ई टू पावर एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए क्या किया हमने, केवल ई टू पावर एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 ये एज इट इज़ उतार दिया हमने, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से, अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या आया, 1 माइनस एक्स इंटू ई टू पावर एक्स वाई, चलो इतना कॉमन आ गया। अब देखो इन सब चीज़ों को, ये जो दो टर्म और बचे इनको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस वाई इंटू ई टू पावर एक्स वाई, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इनको रीअरेंज करके लिखने पे रिजल्ट, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस वाई ई टू पावर एक्स वाई, ठीक है भाई, इतना हो गया, अपॉन 1 माइनस एक्स ई टू पावर एक्स वाई, लिख सकते हैं ये, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखो बोला है कि इट इज़ हैविंग वर्टिकल टेंजेंट,
वर्टिकल टेंजेंट का मतलब है कि डी एक्स अपॉन डी वाई जो है जीरो हो जाए, तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, इससे अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, वन माइनस माइनस ऑफ वन माइनस एक्स ई टू पावर एक्स वाई अपॉन वन माइनस वाई ई टू पावर एक्स वाई, ये डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। दैट इज इफ दिस इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स वन माइनस एक्स ई टू पावर एक्स वाई क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, होगा ना। तो एक्स ई टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू वन, एक्स ई टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू वन। और ये कब पॉसिबल है, जब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया देख लो एक बार फिर से ध्यान से समझना। ई टू पावर एक्स वाई देखो यहाँ पर वन है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। ठीक है, इन टू ई टू पावर जीरो होगा तभी तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, सेम सिमिलर आएगी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड एक्स इज इक्वल टू वन, सो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये कब जीरो होगा, जब इन दोनों में से कोई एक जीरो, एक्स तो हमने वन ले लिया है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो वन कॉमा जीरो ही वो पॉइंट होगा जहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है, इतना समझ में आता है। ठीक है, तो द पॉइंट पी वन कॉमा जीरो इज अ पॉइंट वेयर वर्टिकल टेंजेंट इज पॉसिबल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लगाने का तो हम दिन भर क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वापस तमाम बुक पढ़ी होंगी जिनमें कई क्वेश्चन दिए होंगे, तुम सारे क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, एक से स्टार्ट करो और सारे क्वेश्चन सिंपल से स्टार्ट करो, टफ क्वेश्चन तक ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्या है कि क्योंकि हमारे पास हम वीडियो में सारे क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमने तुम्हें एक एग्जांपल दिया। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, तुम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे, और तुमने ध्यान से समझाओगे तो तुम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे और तुम्हारा क्वेश्चन लगने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ना था। अब देखो तुमने पढ़ लिया कि मैंने बता दिया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट बता दिया। ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें समझ में भी आ गया रिलेशन बिटवीन इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, अरे सॉरी, रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी बता दिया, तुम्हें वो भी समझ में आ गया, तुम आगे बढ़ गए। ठीक है, क्वेश्चन लगा लिया हमने, क्वेश्चन लगा लिया। अब तुम्हें एक चीज़ ध्यान में आना चाहिए कि हम चैप्टर तो क्या पढ़ रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो हम केवल टेंजेंट की बात क्यों कर रहे हैं, नॉर्मल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई चलो हमारी डाउट भी क्लियर कर देते हैं, नॉर्मल की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप सबसे पहली बात वन माइनस वन अपॉन एम वन, ये हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसी पॉइंट पे एक्स वन कॉमा वाई वन पे, अभी हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा था, तो इसी पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होना चाहिए, ठीक है, इस सेम पॉइंट पे। तो देखो भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ठीक है, वाई माइनस वाई वन, ठीक है, फिर से पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखेंगे, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आती हैं। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ में आती हैं तो तुम्हें एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लो कि इन्फाइनाइट दिया है, एम वन इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, एम टू इज इक्वल टू वन अपॉन इन्फाइनाइट, दैट इज इक्वल टू जीरो माइनस वन अपॉन इन्फाइनाइट, तो एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब देखो हमने क्वेश्चन किया तो एक क्या करते हैं कि इस पर भी क्वेश्चन कर देते हैं। द पॉइंट, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है ये हमारा कि द पॉइंट एट विच द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व कर्व फाइव क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस
फोर एक्स, द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज पैरल टू, इज पैरल टू वाई एक्सिस। देखो मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो को पॉज करो और तुम इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। लेकिन लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको क्वेश्चन समझ में आया नहीं होगा, तो क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं कि हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, हमें क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे एट विच द नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल मतलब माइनस वन अपॉन एम वन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या एम वन, यानी कि एम वन से मतलब है डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो शुरू जो अपना काम स्टार्ट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो चलो, आई होप तुमने क्या किया होगा, वीडियो को पॉज किया होगा, उसके बाद तुमने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तुमने, ठीक है। तो जिन्होंने ऐसा किया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम कर्व को, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर, ये आ गया 2x माइनस फोर आ गया। तो हमें क्या निकालना था, माइनस वन अपॉन एम वन निकालना था, ठीक है। तो माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू एम वन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। लिख देंगे माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस फोर, ठीक है। ये आ गया स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की एक कंडीशन हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दी हुई है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है, पैरेलल टू वाई एक्सिस का सीधा मतलब होता है कि स्लोप इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो, ठीक है। तो 2x माइनस फोर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर बाई टू, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन में x की वैल्यू रखोगे टू, तो टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, फोर माइनस फोर टू जाए एट, ठीक है। तो माइनस फोर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस फोर। तो टू कॉमा माइनस फोर पे, टू कॉमा माइनस फोर ही वो पॉइंट है जहाँ पे नॉर्मल जो है वो y एक्सिस के पैरलर होगा, ठीक है। इसी पॉइंट पे, इसी गिवन पॉइंट पे नॉर्मल जो है y एक्सिस के पैरलर होगा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ तक अभी तक जो भी है, जो भी हमने पढ़ा वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को रिवाइज़ करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, और मोटिवेटेड रहो, IIT JEE निकालना है, मतलब IIT JEE क्रैक करना ही है, ठीक है। सोते समय, जगते समय, पढ़ते समय, खाते समय, हर समय केवल अपने दिमाग में एक चीज रखो, IIT, क्योंकि ट्रस्ट मी यहाँ पे जो लाइफ है ना, लाइफ और लाइफ की जो वैल्यू है ना, कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक जुनून बना लो, एक नशा बना लो इसको, ठीक है, IIT JEE को, ठीक है। और लग जाओ पीछे, करना है क्रैक तो करना है क्रैक, और कोई, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये तुम्हारा सब कुछ है, ठीक है। और एक बार ये क्रैक हो गया ना, एक बार तुमने IIT JEE, एक जो सीट होती है ना, सच बता रहा हूँ, एक सीट तुमने अपने नाम बुक कर ली ना IIT JEE में, तो समझ लो उस फीलिंग से बेटर फीलिंग ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, ये लिख के ले लो, ठीक है। तो एक टारगेट बना लो कि मिशन IIT JEE, ठीक है, और क्रैक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।